हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही खुश होंगे। शादीशुदा औरत ये इशारे करे तो वो आपसे 100% सेट होना चाहती है। दोस्तों, एक स्टडी के अनुसार शादीशुदा औरत जब किसी को पसंद करती है या फिर प्यार करती है तो उस औरत का व्यवहार पूरी तरह से बदल जाता है। उसको लेकर औरत खुद से कभी भी लड़के को नहीं बोल पाती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। इसका सबसे बड़ा कारण ये हो सकता है कि क्योंकि दोस्तों शादीशुदा औरत की बहुत सारी मजबूरियां होती है, क्योंकि उनका हमारे समाज में एक दायरा होता है और वो औरत कभी भी तोड़कर हमारे सामने बिल्कुल भी नहीं आ सकती है। लेकिन वो अपनी मन की इच्छा या फिर दिल की इच्छा कभी भी दबाकर नहीं रख सकती है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि शादीशुदा औरत आपको चाहती है या फिर आपसे प्यार करती है तो, लेकिन आप कंफ्यूज हो, तो आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना पड़ेगा। उसके बाद आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, जिससे आपको बहुत ही आसानी से पता चल जाएगा कि वो औरत आपको स्पष्ट रूप से बता देगी कि एक शादीशुदा औरत आपसे सच्चा प्यार करती है। वैसे तो आज के समय में प्यार करने के लिए उम्र का कोई भी मतलब नहीं होता है, और ये तो आजकल के लड़कों के अलावा 40 से 50 साल के मर्द नहीं, बल्कि कुछ शादीशुदा औरत भी मर्दों के प्यार के चक्कर में पड़ने लगती है। तो दोस्तों, आज हम लोग इसी टॉपिक के ऊपर इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि शादीशुदा औरत ये इशारे करे तो वो आपसे 100% सेट होना चाहती है। दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है। इसलिए आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखनी चाहिए। दोस्तों, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, अगर पुराने हो तो नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना, सीधा ये हमारा वीडियो आपके पास आ जाएगा और आप वीडियो को मिस नहीं करोगे। तो बात करते हैं हम लोग सबसे पहला पॉइंट के बारे में, शादीशुदा औरत आपसे डबल मीनिंग बातें करेगी। दोस्तों, ये सबसे खास बात है और बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है, क्योंकि दोस्तों कोई भी शादीशुदा औरत को डबल मीनिंग बातें करना काफी ज्यादा पसंद होता है, और वो औरत अपनी जिंदगी में हर किसी से डबल मीनिंग बातें नहीं कर पाती है। और ये एक इशारा है जिससे आपको पता चलेगा कि औरत आपके लिए जान निछावर करने के लिए तैयार है, आपको बहुत ही ज्यादा पसंद करती है, आपसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती है। ये एक इशारा है। दोस्तों, अगर कोई औरत आपके साथ डबल मीनिंग बातें करती है तो दोस्तों आपको समझ जाना चाहिए कि वो औरत आपके साथ रिलेशन शेयर करना चाहती है। उनकी वो सभी डबल मीनिंग बातों का सीधा मतलब होता है कि वो आपको ग्रीन सिग्नल दे रही है, वो औरत आपको बहुत ही ज्यादा पसंद करती है और आपके साथ अपनी पर्सनल बातें भी शेयर करना चाहती है। तो दोस्तों, अगर कोई औरत आपके साथ डबल मीनिंग बातें करती है तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद करती है, वो आपसे प्यार करती है। तो बात करते हैं हम लोग दूसरे पॉइंट के बारे में, शादीशुदा औरत आपके गर्लफ्रेंड के बारे में पूछेगी। प्यार में एक स्टडी के मुताबिक अगर कोई शादीशुदा औरत आप में इंटरेस्टेड है तो, या फिर आपसे प्यार करती है तो वो आपसे हमेशा एक ही सवाल पूछेगी। वो औरत ये जानना जरूर चाहेगी कि आपकी जिंदगी में आपकी कोई गर्लफ्रेंड है या फिर नहीं, और आप किसी लड़की को या फिर किसी औरत को पसंद तो नहीं करते हो, क्योंकि औरत आपसे ये सवाल बार बार पूछकर आपको एहसास करवाना चाहती है कि अगर आपकी जिंदगी में कोई और लड़की नहीं है, क्योंकि दोस्तों जो औरत आपके जिंदगी में आना चाहेगी वो हमेशा आपसे ये सवाल जरूर करेगी। वो आपको एक तरह से इशारा कर रही होती है, जिससे वो ये जताने की कोशिश करती है कि वो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद करती है, वो आपको बहुत ही ज्यादा प्यार करती है। तो दोस्तों, अगर कोई औरत आपकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछती है कि आपकी गर्लफ्रेंड है या नहीं, तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो औरत आपको इशारे दे रही है, वो औरत आपको सिग्नल दे रही है, क्योंकि दोस्तों वो औरत आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहती है। इसीलिए आपसे जानना चाहते हैं कि आप रिलेशनशिप में हो या फिर नहीं, आपकी कोई गर्लफ्रेंड है या फिर नहीं। अगर नहीं है तो आप उसकी फीलिंग को समझ जाओ। तो बात करते हैं हम लोग तीसरे पॉइंट के बारे में, आपको किसी और के साथ देखकर जलन महसूस करेगी। दोस्तों, एक रिसर्च में ये भी साबित हुआ है कि अगर कोई औरत आपसे प्यार करती है तो वो आपको किसी और के साथ देखना पसंद नहीं करेगी, और किसी और के साथ बातें करता देखकर जलन भी महसूस करेगी। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी लड़की के या फिर किसी भी औरत के करीब होकर बात करते हो तो उस शादीशुदा औरत को जलन महसूस जरूर होगी, और ये भी हो सकता है कि वो कुछ देर तक आपसे बात भी ना करे, आपसे गुस्सा भी करे या फिर आपसे मुंह फेर ले। तो दोस्तों, अगर आप कुछ ऐसा महसूस करते हैं तो दोस्तों आपको समझ जाना चाहिए कि उसके दिमाग में आपको लेकर कुछ ना कुछ तो जरूर चल रहा है, और वो औरत आपकी ओर बहुत ही ज्यादा आकर्षित है और आपसे प्यार भी करती है। दोस्तों, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी औरत से या फिर किसी लड़की से ज्यादा बातें करते हो और अगर कोई औरत आपको पसंद करती है तो उसे जलन जरूर महसूस होगी, वो जलस फील करने लगेगी। दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो आपको अपना दिल दे चुकी है और आपसे वो बहुत ही ज्यादा प्यार करती है। तो दोस्तों, ये थी तीन इशारे। अगर कोई औरत आपसे प्यार करती है और आपको दिलो जान से चाहती है तो ये इशारे आपको जरूर से जरूर करेगी। दोस्तों, अगर वो औरत ये इशारे करती है तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो औरत आपसे 100% सेट होना चाहती है और आपको देरी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि दिए गए जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट जरूर करना कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।